अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से प्याज के लच्छेदार पकौड़े। बहुत ही मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। स्पेशली रमज़ान में ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये लच्छेदार प्याज के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार क्रिस्पी लच्छेदार प्याज के पकौड़े। प्याज के क्रंची कुरकुरे और लच्छेदार जो है पकौड़े बनाने के लिए हमने ये 2 अदद प्याज ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनको जरा सेंटर में से काटेंगे और ये जो इसका पार्ट होता है ना, जिसने तमाम जो है होता है और जो कलियां कहते हैं आप प्याज की, उन्हें इसने बंधा होता है, वो इसकी जो है वो उतार देंगे, उसको निकाल लेंगे ऐसे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और क्रंची से ये पकौड़े होते हैं, तो आप भी जो है वो रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सबसे पहले जो है वो हम इन प्याजों को इस तरह लंबाई की शेप में जो है बिल्कुल बारीकी के साथ जो है वो इस तरह हमने लंबाई की शेप में जो है वो इतना बारीक बारीक हमने काट लेना है। सारा काट के तो मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। सारा प्याज हमने काट लिया है, अब इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह इस तरह मस लेंगे ताकि सारी जो है वो हमारे इस तरह अलग अलग सारी जो है कोई भी सी कली जो है वो आपस में जुड़ी ना रहे। हमारा प्याज देखे अच्छी तरह से जो है बिल्कुल सारे इसकी जो है कलियाँ इस तरह अलग अलग हो गई हैं। इस तरह हमने इसको कर लेना है। अब ये 2-3 हरी मिर्चें वो इसमें डाल देंगे। अब ये मेरे पास 1 चम्मच जो है वो साबुत खुश्क धनिया है, तो अब इसे हम अच्छी तरह हाथों के साथ मसल के डालेंगे। बहुत इस तरह मसलों से प्यारी खुशबू और मज़ा आता है। मैं तो हमेशा पकौड़े में जो है वो इसी तरह मसल के डालती हूँ। फ्रेश फ्रेश जो मसाला हुआ है ना, उसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है। ये थोड़ा सा अनारदाना है, 1/2 टीस्पून वो डालेंगे, नमक 1/2 टीस्पून, सूख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टीस्पून सूख मिर्च कुटी हुई। और सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों की मदद से इसे प्याज के साथ मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जात जो है वो प्याज के साथ जो है वो चिपक जाए। और अब इस तरह हल्के हाथों से इसे ऐसे प्रेस करके जो है मिक्स करना है ताकि जो प्याज के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो मॉइस्चर है वो निकल आए बाय। अच्छी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह फॉलो कीजिएगा, बहुत ही जो है वो कुरकुरे और लच्छेदार जो है वो आपके पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिल जाती है। आप इस तरह देख सकते हैं कि तमाम जो है वो मॉइस्चर प्याज का निकल चुका है। अब जो है हम डालेंगे 1 चम्मच भर के ये जो है वो हम बेसन की डाल रहे हैं। बेसन हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालते। लोग कहते हैं जी कि हमारे लच्छे अलहदा से नहीं होते, वो बेसन ज़्यादा डाल देते हैं या वो घोल के जो है वो तो उसके अंदर बेसन डालते हैं। और हम के साथ मिक्स करें ताकि तमाम प्याज के साथ जो है वो बेसन लग जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और बेसन भी डाल लेंगे। बेसिकली हमें बेसन उतना ही चाहिए ताकि ये हमें कोड़े की बाइंडिंग में जो है वो काम आए। थोड़ा सा और डाल लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे क्योंकि मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा प्याज में। अच्छी तरह जो है वो प्याज सारे
गोजर बेसन लग चुका है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी हमने डालना है, ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे, अच्छी तरह बाइंड हो जाए, बस उतना ही हमें डालना है। मेरा ख्याल है इतना बहुत है जो है वो बेसन, थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं गोल करना। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपके पोहे जो है वो ऑयल में डालने से बिखर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आप बेसन जो है वो और डाल सकते हैं। नॉर्मल प्याज के जो पकौड़े हैं वो इसी तरह कम प्याज बेसन के साथ बनते हैं, तभी बहुत ज़्यादा जो है वो कुरकुरे और लच्छेदार नज़र आते हैं। तो यहाँ आई थिंक बाइंड हो रहा है, तो हमारा बेसन जो है वो तैयार है, तो अभी इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। फ्राई करने के लिए ये टिप है कि जब ये आप मसाला बना रहे हों, सारे मसाले डाल के घोल रहे हों, तो तब आप जो है वो ऑयल चूल्हे पे हल्की हीट पे जो है गर्म होने के लिए रख दें, क्योंकि जब ये मसाला तैयार करके हम रखेंगे तो ये पानी प्याज छोड़ेगा और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो फिर इतने कुरकुरे और लच्छेदार से कोड़े नहीं बनेंगे। तो यहाँ अब तैयार है, अभी मैंने चूल्हे पे जो है वो ऑयल रख दिया है, तो फौरी से हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने एक पकौड़ा डाला था कि चेक करने के लिए कि हमारा जो है बेसन बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ये पकौड़ा बना है, बाइंड रहा है, ये बिल्कुल जो है बिखरा नहीं है। तो अब बाकी के सारे जो है वो हम डालना शुरू कर देंगे। डालने का ये तरीका है कि आप इस तरह हाथ में थोड़ा सा बैटर जो है वो लें, इस तरह मसाला जितने आपने बड़ा छोटा साइज रखना है वो इस तरह आप इसमें डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन से प्याज के लच्छेदार पकौड़े जो है वो तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली फाइनली जो है वो हमारे प्याज के बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार जो है वो हमारे पकौड़े रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके बिल्कुल जो है वो सारे लच्छे इस तरह अलग अलग से हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में, और इंशाल्लाह खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार होंगे। आप ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।